स्वागत है और अब लेते हैं खबर विशेष की ये खबर। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। फिर एक बार अब की बार भारतीय जनता पार्टी जय श्री राम के साथ चंडीगढ़ के अंदर लगभग 10 बरस तक काम किया आदरणीय हरमोहन धवन जी, उनका परिवार आज हमारा सदस्य बना है। मैं विक्रम और सतेंद्र जी का अपने परिवार के अंदर उनका स्वागत करता हूं। हमारी चंडीगढ़ से हमारी सांसद, हमारी बड़ी बहन, जिन्होंने हर स्तर के ऊपर मेरे को गाइड करने का काम किया और वो बैठे बैठे भी कोई मौका नहीं छोड़ती हैं, ऐसी मेरी बहन किरण खेर जी, हमारे पार्टी के अध्यक्ष जतेंद्र पाल मल्होत्रा जी, जिन्होंने अपना समय भी मेरे को दे दिया बोलने के लिए, आपका मैं आभार व्यक्त करता हूं। हमारी दीदी जो हमारे को जिसने उंगली पकड़कर यहां पर प्रभारी के तौर पर हमें सिखाया, ऐसी सरोज पांडे जी और अतुल गर्ग जी जो हमारे इस चुनाव को देखने के लिए आए हैं। कन्हैया मित्तल जी का इनका क्या बताऊं, कन्हैया जी तो हमारे सबको ऐसा गीत दे दिया इन्होंने कि जो लोग रास्ते पर चलते हुए भी हमें सुनाते रहते हैं, ऐसे हमारे कन्हैया मित्तल जी। और मेरे पार्टी के कार्यकर्ता बंधु, सम्मानित मंच और यहां पर उपस्थित, मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई भी रैली दनास के इस क्षेत्र में आज तक हुई होगी। आज मैं सारे कार्यकर्ताओं का हाथ जोड़कर अभिनंदन करता हूं और उनका स्वागत करता हूं। हमारे शहर के अंदर लाल दौरे की समस्या कई वर्षों से चल रही है, उसके बारे में भी जैसे हमारे साथ के राज्यों ने उसको एक्सटेंड करने का काम किया है, वो भी काम हम आगे करने जा रहे हैं। हमारे चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड के उनके कार्यों के बारे में कल ही हमने उनके साथ बैठकर दिल्ली की तर्ज पर जैसे वन टाइम सेटलमेंट हुई है, उसी तर्ज के ऊपर चंडीगढ़ के अंदर भी सेटलमेंट होगी, इसका निर्णय भी हमने उनको दे दिया है। हमारे रेड़ी फड़ी वाले भाइयों की बहुत दिक्कत आ रही थी, हमने उनके साथ भी बैठकर कहा है कि आने वाली सरकार जो फिर से नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में तीसरी बार बनने जा रही है, जो रेड़ी फड़ी वालों की भी जो उनकी दिक्कत है उसको भी खत्म करने का काम हमारी सरकार करेगी। भाई और बहनों, आज कांग्रेस के लोग आपको एक जुठलावा, एक कागज देने का प्रयास कर रहे हैं, जिसके अंदर वो 1,00,000 रुपए की गारंटी की बात करते हैं। 10 गारंटियां हिमाचल में दी थी, वो गारंटियां तो छोड़िए, यहां तक के वो लोगों को वहां पर वेतन देने के लिए भी सड़कों पर उतरना पड़ता है, इस तरीके का हाल कांग्रेस की सरकार ने हिमाचल का कर दिया है। भाई और बहनों, आज कोई लंबी तकरीर करने का समय नहीं है, मैं सिर्फ आपको यही याद दिलाना चाहता हूं, कांग्रेस के इस झांसे में नहीं आना, और ये जो झूठ बोल के जो कागज बांट रहे हैं उसकी चीज को समझिए, ये मुंगेरी लाल की तरह सपने दिखाते हैं और फिर यहां से भाग जाते हैं। CNE न्यूज के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।